मन को कंट्रोल कैसे करें। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले दिन कि हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें, यानी कि हम अपने मन मस्ती को एकाग्र शांत कैसे करें। इसके लिए जरूरी है अपने आप को एकाग्र रखना और शांत रखना। यह प्रक्रिया एक दिन में संभव नहीं हो सकती। आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल करने के लिए हम कैसे मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्या करें कि हमारे दिन खुशहाल हों, अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ हम खुश रहें, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पाता। जीवन टेंशन का नाम है, यानी कि जब तक जियो काम करते रहो। अपने काम में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने लिए तो समय कभी नहीं निकाल सकते, निकालना भी चाहिए तो निकाल नहीं पाते हैं। घूमने फिरना अलग बात होती है। कभी कभी हम बाजार घुमाते हैं, कहीं रोड पर घुमाते हैं, छत पर घूमते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेते हैं। आजकल तो इतनी आदत बिगड़ी हुई है कि फ़ोन पर ही लगे रहते हैं, चाहे वह किसी रिश्ते का फ़ोन हो, आधे घंटे तो ज़रूर रहते हैं और फिर वही बातों को दिन में दिमाग में बैठाए रहते हैं कि उनसे हमने ऐसे बात किया, ऐसे जवाब दिया, ऐसे किया। और सोचिए कि दिन भर हम इसी घोल मोल में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, बस हमें अपने मन को तड़पा तड़पा कर, कुदा कुदा कर रखना पड़ता है। मन एक ऐसा औजार बन चुका है कि दिन भर खजानों को पाले हुए रखता है। कभी नकारात्मक सोच, कभी सकारात्मक सोच, हम नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं, बस मन के इशारे पर चलते हैं। मन कहे तो चलना, मन कहे तो बैठना, मन कहे तो खाना खाया, मन कहे तो दौड़ लगाया, मन कहे तो फ़ोन से बात किया, मन कहे तो इंटरनेट का सहारा लिया, मन कहे तो टीवी देखा और मन कहे तो हमने मनोरंजन किया। किसी तरह के बात के लिए हम मन पर कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं सोच पाते कि हम क्या कर रहे हैं और हमें कौन नचा रहा है। ये मन आपको 100% आपको नचा रहा है। भले ही आप नहीं सोचते हों कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बार अंदर झांकिए, बाहर से ज़्यादा जोर आपके अंदर है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो कुछ भी है, वो आपके बस की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर की दुनिया जो खलबली मचाए हुए है वह है आपका मन। दिन भर कुछ न कुछ वो आपको सोचवाते ही रहता है और जो सोचते हैं वैसा ही विचार बन जाता है और जो विचार बन जाता है वैसे ही हमारी आवाज़ और वाणी हो जाती है, वैसे ही हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर दुष्ट हैं तो दुष्ट आत्मा जैसे बात करते हैं, अगर शांत है तो शांत बात करते हैं, साधु संत है तो साधु संत से बात करते हैं। गार्जियन बनने के बाद तो काफ़ी टेंशन होता है, बच्चों का टेंशन, घर परिवार चलाना, सारे चीज़ को मन ही नाच नचाता है और इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आज के ज़माने में तो काफ़ी मुश्किल है, मैंने भी इसको बहुत झेला है, लेकिन 100% तो नहीं, 10% या 20% मैंने भी कंट्रोल करना सीख लिया है। तो क्या है मन को कंट्रोल करने का राज, आज मैं इस वीडियो बताऊंगी। कुछ न कुछ तो ऐसे टिप्स जरूर बताऊंगी जिससे 10% तो आप भी मेरे जैसा बन ही जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, इसके लिए कुछ दिन तो अपने आप को चुप्पी में बिताना पड़ेगा। ऐसा कर पाइएगा तो मन आपके हाथ में होगा और मन के अनुसार आप चल पाइएगा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे सुबह की योग निद्रा के बारे में, यानी कि योग सुबह जब हम सोते हैं तो योग निद्रा हमें सबसे बड़ी ताकत देती है। सुबह सोइए, शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, यानी कि 4 या 5 बजे के करीब आप उठ जाइए और अपने आप को पहले शांत रखिए। सारे कार्यों से निवृत्त होकर सुबह आप हवा, जहाँ हवादार जगह हो, सूर्य देवता जहाँ उगते हो, जहाँ प्रकाश आता हो, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं बहती हों, शोरगुल का माहौल नहीं हो, वहाँ आप योग में बैठ जाइए, आसन बिछाइए और योग मुद्रा में बैठ जाइए। हाथ को शांत रखिए, बस अपने आँखों को मूंदिए। आँखों को बंद करने के बाद आप अपने मन में एक ही बात सोचिए, मैं
शांति चाहती हूँ या शांति चाहता हूँ। मुझे शांत रहना है। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मुझे अपने मन को शांत रखना है। दिन की दिनचर्या में कुछ भी घटित होगी, मैं पहले मन को शांत रखूंगा, समझूंगा, तभी बोलूंगा या बोलूंगी। बस शांत रहना है। मुझे सब पर दया करनी है। मैं सबके लिए हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने लिए हूँ। अपने को शांत रखूंगी, अपने को शांत रखूंगा। मन को धीरे धीरे सांसों पर लाइए। बस ये सोचिए कि मेरा मन मेरे पास है, कहीं की बातें वह नहीं सोच रहा, और ध्यान से अपने मन को सांसों पर लगाते रहिए, धीरे 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 धीरे। ऐसा 5 मिनट तक कम से कम कीजिए और सूर्य के प्रकाश की तरफ ध्यान दीजिए कि हे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने आपके सामने प्रण लिया है कि मैं अपने मन को कंट्रोल करूंगा या करूंगी। मुझ में ताकत दीजिए कि मैं प्रतिदिन जो भी अपने मन को संदेश दूं, वह संदेश पूरे दिन मेरे साथ रहे, यानी कि मेरे मन में शांति ही शांति रहे। मन को मैं कंट्रोल कर रही हूं या कर रहा हूं। मुझे ऐसी शक्ति देना, मुझ में ऐसी ताकत देना। और अगर सांसों से अगर आपके ध्यान टूट जाती है तो ओम का उच्चारण कीजिए। ओम, इस तरह ओम का उच्चारण, सांस जब तक आपकी बाहर जाती हो तब तक ओम का उच्चारण कीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे फिर से ओम का उच्चारण कीजिए। दोस्तों, ऐसा करते करते आपको 5 मिनट पहले दिन देना है। इसी तरह अगर आप 40 दिनों तक इस मन को शांत रख लिए तो आप मन को कंट्रोल तो 10% कर ही लेंगे। और इसके बाद ध्यान से उठिए तो नहा धोकर अगर आपको जितना विश्वास तुलसी में है या ईश्वर में है या जल देने में है, कम से कम वह काम भी आप कर ही लीजिए कि हे ईश्वर, मुझ में श्रद्धा दो, भक्ति दो, तन्मयता से मैं अपने परिवार की सेवा तो कर सकूं, लेकिन शांति से रहूं, किसी को डिस्टर्ब न करूं, किसी को तंग न करूं। मेरे अंदर दया भाव दो, मेरे अंदर श्रद्धा भाव दो, मैं अपने परिवार के हर कार्य शुद्ध ढंग से, सही ढंग से कर सकूं। मेरे अंदर जो भी शक्तियां हो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। मन मुझे नाच न नचाए, मैं मन को अपने हाथ में रखूं। बस यही धीरे धीरे अपने मन को सिखाना है। और जब भी आप ध्यान कीजिए तो ऐसा महसूस कीजिए कि आपके सर में जो जड़ें थी नकारात्मक सोच की, वह निकल रही हैं। धीरे धीरे मन से कोई आपके नकारात्मक सोच को दिमाग से खींच रहा हो, बाहर की ओर खींचते हुए मन को आप खींचने दीजिए। यानी कि मन में जो नकारात्मक सोच आ रही है उसको आप पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ऐसा करके देखिए, पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा और नकारात्मक सोच तो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के साथ जब भी पेश आइए, खुशी से पेश आइए, अच्छे से व्यवहार कीजिए। ये नहीं कि पहले की तरह दिन भर डांटते रहिए। बच्चे जो भी करें उसमें आप उसमें सहयोग कीजिए और बच्चों से आप कुछ सीखिए। बस यही कहिए कि तुम जो करते हो मुझे भी सिखाओ। पति आते हैं तो उनसे भी आप बातें कीजिए, तो बस यही कहिए कि आप शांत रहिए, मैं आपका सारा काम खुशी खुशी कर दूंगी। देखिए, माहौल चेंज आपके अंदर है, विचार आपके तो मन भी आपके हो जाएंगे। जैसा विचार वैसा मन आपके कंट्रोल में होगा। एक और बात आप ध्यान रखिए, जब भी किसी से बात कीजिए तो सोच समझकर बात कीजिए। ध्यान आप कर रहे हैं तो ज़्यादा समय चुप रहने की कोशिश कीजिए। जब भी एकाग्र होइए, शांत रहिए, बाहरी बातों को सोचना ही छोड़ दीजिए। किसी से फ़ोन पर भी बातें कीजिए तो वहीं तक कीजिए जहां तक आपको अच्छा लगता हो, उसके बाद फ़ोन को कटआउट कर दीजिए। किसी के बारे में शिकायत तो बिल्कुल ही नहीं बात कीजिए। जैसे शिकायत कीजिएगा ना, वैसे ही उसके बारे में ज़्यादा सोचना आप रखने लग जाएंगे। ज़्यादा सोच रखिएगा तो फिर मन उसी के बारे में सोचेगा।
इसलिए मन को कंट्रोल करना है तो दूसरों की शिकायत तो बिल्कुल ना कीजिए, अपने काम से काम रखिए, चुपचाप रहिए, बच्चों से, पति से या किसी आने जाने वाले सदस्यों से हंसकर बातें कीजिए, सकारात्मक बातें बताइए, सकारात्मक सोच रखिए, अपने मन को कंट्रोल रखने का सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन इसके लिए एक दिन में संभव नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करते रहें, मन को शांत रखें। जब भी मन शांत रहेगा, चुप रहेगा, ज़्यादा सोचेगा तो अच्छी बातें सोचेगा। अच्छी बातों को सोचना ही मन को कंट्रोल रखना है, ज़्यादा मन को भटकाइए नहीं। किसी काम का प्रेशर हो तो पहले उसका प्रोग्रामिंग मन में कीजिए और जो जो अच्छी बातें लगती हो उसका नेगेटिव पॉजिटिव निकाल लीजिए। मुझे ये प्रोग्राम है और मैं इसमें ये पॉजिटिव बातें डालने वाला हूँ, तब देखिए आपका कमाल, लोग आपका आदर करेंगे, आपसे राय लेंगे, आपकी सही बातों की कद्र करेंगे। बस मन को कंट्रोल करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। मैंने कल की वीडियो बनाई थी कि मन को कंट्रोल कैसे करें, उसमें एक शब्द तो मैंने डाला था कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए इसके लिए मैं आज की वीडियो डाल रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो अपने ध्यान पर रहिए, ध्यान मग्न होकर श्रद्धा से, भक्ति से सभी अपने मन को कंट्रोल कीजिए, आपके लिए सही होगा। आप निरोगी रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहिएगा। मन को कंट्रोल कैसे करें, बस छोटी सी टिप्स को अपना लीजिए। इसके लिए शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। सूर्य को देखना सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है, सूर्य को देख लिया तो आधा दुख आपका दूर है, दिन खुशहाली से बीतेगा, रात खुशहाली से बीतेगी। आज की दिनचर्या बिल्कुल बेकार है, रात को 2 बजे सोना, दिन को 10 बजे उठना, यही दिनचर्या लोगों में इतनी घर कर गई है कि लोग ना तो सुबह सो पाते हैं, न कुछ जान पाते हैं, न सोच पाते हैं, बस हड़बड़ी ही हड़बड़ी और गड़बड़ी ही गड़बड़ी, मन व्याकुल रहता है। मन को कंट्रोल कीजिए, सही रास्ते पर रखिए, सही रास्ते पर रहिए। धन्यवाद।